आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे ये जो दो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल क्लाउड कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द लास्ट डिस्ट्रेस, ये तो हमारा बी पार्ट है। और जो सी पार्ट है बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर्स सम कॉर्नर इन अ फोनो फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। हम स्टार्ट करेंगे बी पार्ट से। और जो ये जो बी पार्ट है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। किसने लिखा है ये? विस्टन हक ऑर्डन ने लिखा है ये। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है बच्चों। और किस कौन सा सॉन्ग है ये? ब्यूटीफुल सीजन के ऊपर, ठीक है। और इतना बहुत ही सिंपल पोम है। और किसके ऊपर है ये? नेचर के ऊपर है ये। हमारे कैसे कितनी खूबसूरत होता है हमारा नेचर, उससे रिलेटेड हमारा ये पोम है। तो जो पोम है इसमें वो किस पर, वो सीजन्स के बारे में बात करती है कि कैसे सीजन्स जब आते हैं हमारे, डिफरेंट सीजन्स आते हैं, तो ऑटम सीजन में बच्चों हमारा लीव्स क्या करती है, फॉल, मतलब वो हो, मतलब पतझड़ होने लग जाती है, राइट। और जो लीव्स होती है वो अपनी ब्रांचेस और अपनी टहनियाँ और अपनी छोटी छोटी टहनियाँ क्या करती हैं, बाहर आने लग जाती है, ठीक है। और अब जब ये लीव्स नीचे आ जाती हैं अपने ब्रांचेस से, तो वो पूरा ग्राउंड कवर करती हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो बहुत सुंदर लगता है ना। तो जो जितने ट्रीज होते हैं ठंड के मौसम में कैसे स्नो से कवर हो जाते हैं और बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फिर उसी के साथ आते हैं हम हमारे सी पार्ट पे। सी पार्ट है इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर्स सम कॉर्नर इन अ फॉनर फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। ये लिया गया है द सोल्जर से, जो कि एक वॉर सोनेट है। किसने लिखा है ये? कौन थे पोएट? वो हमारा लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। ये ना एक पेट्रियोटिक अप्रोच है, मतलब ये सोल्जर्स के बारे में लिखी गई है, ठीक है। उन तो बहुत ही पेट्रियोटिकली मूड से लिखी गई है, हमारी देशभक्ति के मूड से लिखी गई है। और जो थॉट्स हैं सोल्जर के, इस थॉट्स क्या है, सोच क्या है इधर सोल्जर की, अपने मदरलैंड के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए, कि उनका डिज़ायर है कि अपनी लाइफ वो अपनी धरती के लिए, अपने मदरलैंड के लिए सेक्रीफाइस करें, ठीक है। और ये इन्होंने ये दिखाना चाहा है, दर्शाना चाहा है, किसमें? हमारे इस वॉर सोनेट में, द सोल्जर। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सोनेट क्या होता है। सोनेट बच्चों हमारा सॉन्ग होता है, ठीक है, याद रखना। ये किसने लिखी है? रूपर्ट ब्रूक ने। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोगों को ये आंसर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।